हनुमान नगर प्रखंड के गोरियाड़ी पंचायत में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के द्वारा भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसको लेकर ग्रामीणों के द्वारा आयुक्त दरभंगा प्रमंडल को आवेदन दिया गया, जिसमें ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता चुलाहे पासवान ने मई 2023 का 580 लोगों का अंगूठा निशान लेकर किसी को अनाज नहीं दिया, जिसको लेकर प्रमंडल आपूर्ति पदाधिकारी को ये लोग शिकायत किए हैं, लेकिन आपूर्ति पदाधिकारी अपना जांच प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी को समर्पित किया, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी को 21/7/2023 को आवेदन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी तरफ एक सस्पेंडेड जन प्रणाली विक्रेता राजेश यादव 14 सितंबर को लगभग 100 ग्रामीणों का फिंगरप्रिंट लेकर गायब हो गया और ग्रामीणों को अनाज नहीं मिल पाया, जिसको लेकर ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। ग्राम पंचायत राज गोडियारी वार्ड दो और तीन का जो राशन गमन करने का मामला है, जो चुलाहे पासवान डीलर है और राजेश डीलर है, जो इस महीना का डीलर जो राजेश पासवान जो गमन किया है और मई महीना का डीलर जो है जो अनाज जो है गमन किया है चुलाहे पासवान, जो हम लोग का आवेदन दिया गया है प्रखंड आपूर्ति विकास पदाधिकारी को, तो वो क्या किया आगे बढ़ा दिया और जाँच में भेज दिए थे जो एमओ को, और एमओ साठ गांठ से क्या किया आवेदन को चाप दिया गया, और उस आवेदन को चापने के बाद हम लोग सदर एसडीओ के दिए तो वहां से भी चाप दिया गया, और वहां से नहीं हुआ तो हम लोग कलेक्ट्रेट ऑफिस में दिए तो वहां भी क्या किया पैसा से चाप दिया गया। उसके बाद हम लोग कमिश्नर ऑफिस में कल के डेट में हम लोग आवेदन देकर आए हैं, और हम लोग सारे जनता लोग गए हैं जो हम लोग का अनाज क्यों नहीं मिल रहा है, इसी के मतलब बिना फिंगरप्रिंट के वो आपका अनाज नहीं उठा सकता, तो आपने फिंगरप्रिंट जो तभी हटा दिखा होगा। नहीं तो ये हुआ जो हम लोग मर्द लोग जो टहला देते हैं कहते जब अनाज दोगे तब देंगे, तो वहाँ लेडीज से जाकर क्या करते हैं कहते चाची दीदी भैया बहन जो फिंगर दे दो जो कल अनाज दे देंगे, और कल के बाद बोलता है जो दो दिन के बाद देंगे दो महीना के बाद देंगे, ऐसा बात बोल के और चला जाता है। फिंगर लेने के बाद कई दिन के बाद अनाज आप लोग को मिलता है? एक महीना भी हो जाता है, 15 दिन लग जाता है, एक महीना भी लगा देते हैं, दो महीना भी लगा देते हैं, टहला भी देते हैं। मुकेश कुमार यादव वार्ड 3। एक दिन बातचीत हुई सुबह में डीलर से, हमने बात किया तो कहा हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप हमसे बात नहीं, डीलर चुलाहे पासवान हमको क्या आप हमसे बात नहीं की, आपसे हम बात नहीं करें क्या, किस कारण से बोले? यही जल वितरण प्रणाली के संबंध में उसे पूछना चाहे तो कहे हम आपसे बातें नहीं करें। समस्या क्या आप लोग का समस्या क्या है? अभी जो सस्पेंड हुआ राजेश यादव, वो मेरे घर में आकर मेरी महिला से फुसला पनी आके जो टिकट काट दिया और सस्पेंड हो गया 10 तारीख को, 14 तारीख को हमारे सभी महिला से फुसला पनी आके टिकट काट लिया और भाग गया, और अभी तक सस्पेंड होते हैं तो नहीं आता। तो पॉस मशीन सीज कर लिया जाता, क्या उसके पास पॉस मशीन है? उसके पास मशीन अभी तक है, सीज नहीं किया है। एमओ साहब को भी कम से कम एमओ साहब को जगह उनको सस्पेंड किया, तो महिला को जाके धमका मुमका के सबको ले लिया पुर्जी, उसका सस्पेंड किया तो उसका मशीन नहीं जमा किया है। एमओ साहब इनमें भी गलती है, एमओ साहब के भी जो उनका मशीन जमा करे, और हम लोग जो है बारिश में बताइए कि हम लोग माँ बहन सब ऐसे खड़ा है पानी में, आप लोग को बुलाए हैं इसीलिए कि मेरा इस चीज को गरीब आदमी है हम लोग, सरकार देता है और पब्लिक खा जाता है। इसके लेकर के कहां आवेदन दिए हैं? सभी जगह आवेदन दिए हमने। कहां दिए हैं? प्रखंड में दिए हैं, जिला में दिए हैं। अच्छा, एमओ साहब को आपने शिकायत की है? जी सर। क्या कुछ लगता है एमओ साहब क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं सर। एमओ साहब जो एमओ साहब के बगल में ही मिला। क्या नाम आपका? हुकुमदेव यादव, 2 नंबर वार्ड। विपक्षी में बात किया जा रहा है सर, ये चुलाहे डीलर जो है ना, जो राशन के लिए उसको कहा जाता है तो क्या करता है जो टिकट उकट निकाल लेता है, बोलता है जो पहले एक दिन पहले टिकट निकाल लेंगे दूसरे दिन आपको हम माल देंगे,
दूसरा दिन जब टिकट निकल के चला गया, जब अपना मनमर्जी अपना जो है अनाज बांटना शुरू करता है, कभी 10 बजे से 11 बजे शाम तक किया, कभी 2 बजे तक बंद कर दिया। हम लोग मजदूर आदमी, हम लोग टाइम से अपना जाएंगे, टाइम से दाना लेंगे, फिर घर चले जाएंगे, वे भी नहीं करते हैं। दूसरा नंबर करते क्या है, जो टिकट उकट निकाल के चले जाते हैं ना, तो दाना उना तो देते नहीं है। और गांव में समाज बोलने आते हैं कि तुम्हारे 2 नंबर वार्ड का दाना हम लाते नहीं है। जो मुख आदमी है उस सबको दाना पहुंचा दिया जाता है, और प्लस जो घूमने वाला आदमी है उसको टका को निकाल दिया जाता है। दूसरा नंबर ये भी है कि जो राजेश भी डीलर है, उस पर भी जब डीलर बोला कि जहां से मर्जी अपना टिकट निकाल के दाना ले सकते हो, तो राजेश से भी निकाला गया टिकट, वो भी अपना टिकट निकाल लिया। 2-4 दिन के बाद जो है दाना देंगे सर, वहाँ से भी क्या करता है, टाइम पर बुला लेता, टाइम पर वहाँ नहीं जाता, जनता लोग वहाँ खड़े होकर चले जाते हैं वापिस। क्या समझे सर, मगर यह आप आवेदन है कि आप सब आदमी को कहते हैं, सब आदमी अपना मिलजुल के यहाँ पर कहते हैं, हमारे कंप्लेन करते हैं, कोई भी कंप्लेन का सुनना नहीं आ रहा है सर। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया है कि राजेश डीलर तो सस्पेंड है, तो फिर वो टिकट कैसे निकाला? नहीं सर, तो टिकट 10 देखिए आप बताइए, 10 तारीख को सस्पेंडिंग है, और 14 तारीख को फिर वो टिकट निकाला है, जो उसको मशीन मार कर 10 तारीख को सस्पेंड जब होंगे तो उसको मशीन कौन सस्पेंड हो, राजेश यादव जो उनको फिर मशीन कैसे कैप्चर नहीं किया गया, जो 14 तारीख को मान के चलो कि टिकट निकाला गया, ये पूरा जनता को गुमराह किया है। सामने मोरत से किसी से नहीं, औरत सबसे निकाल के गया 12 बजे दिन में आके सभी महिला। क्या लग रहा है पदाधिकारी के मिली भगत से काम हो रहा है? बिल्कुल, जब मिली भगत से काम हो रहा है, इतना आवेदन देने के बाद अभी तक सोचना कुछ नहीं जनता के मिला है सर। कानून पर कार्रवाई किया जाए, और नहीं तो हमको डीलर बदल के दिया जाए।